हेलो दोस्तों, मैं निकिता। दोस्तों आज मैं लेकर आई एक बहुत ही डिफरेंट आइडिया वेट लॉस करने के लिए। इसमें हम क्या करेंगे, एक कुशन का यूज़ करेंगे वेट लॉस करने के लिए, हम इसे एज अ इक्विपमेंट यूज़ करेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम कुशन के साथ कैसे वेट लॉस कर सकते हैं, तो इसको देखने के लिए आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना होगा, वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। आज मैं आपको जो सीरीज़ बताऊँगी, जो वर्कआउट बताऊँगी, जो एक्सरसाइजेस बताऊँगी, आप उनको कहीं पर भी कर सकते हैं और कभी भी कर सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपका जो खाना है वो डाइजेस्ट हो रखा हो, यानी कि या तो आप खाली पेट हो, या फिर खाना खाने से 2 घंटा पहले, या फिर खाना खाने के 2 घंटे बाद आप इन एक्सरसाइजेस को कभी भी कर सकते हो। और ये एक्सरसाइजेस बहुत ही ज़्यादा ईजी हैं, इफ़ेक्टिव हैं और आपके वेट लॉस के लिए बहुत ही अच्छी हैं। ये आपके फुल बॉडी पर इफ़ेक्ट डालेंगी। आप आगे देखेंगे कि हम कुशन के साथ किस तरीके से अपना वेट लॉस जो है वो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप मुझे या मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पास ही में दिख रही छोटी सी बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, इस तरीके का एक कुशन ले लेना है, या आप कैसा भी कुशन ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए वो बहुत ज़्यादा हैवी ना हो, क्योंकि अगर वो हैवी होगा तो आपको उसके साथ वर्कआउट करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, बहुत ज़्यादा वो इश्यू क्रिएट करेगा। तो आपको एक बहुत ही लाइट वेटेड पिलो लेना है। आप जो सोफ़ा पिलोज़ होते हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या करना होगा, आपको सबसे पहले इस तरीके से बैठ जाना है, और थोड़ा सा आप पहले वार्म अप कर लेंगे, हल्का सा अपने पैरों को इस तरीके से शेक करेंगे, आपकी जो बैक है वो स्ट्रेट रहेगी। चलिए स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे हम, सबसे पहले लेट जाएंगे, आप इस तरीके से लेट जाएंगे, और आप अपने पैरों के बीच में इस तरीके से पिल्लो को रखेंगे। आपके हाथ जो हैं वो हिप के नीचे रहेंगे, आपके पैर नीचे। आपको क्या करना है, अपने दोनों पैरों को लिफ्ट करना है पिल्लो के साथ। इससे क्या होगा, जिनको नॉक नीज़ की प्रॉब्लम होती है, यानी कि जिनके घुटने मिले होते हैं, उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव एक्सरसाइजेज़ हैं। क्या होगा, पैरों में गैप बना रहेगा और आप इजीली एक्सरसाइज कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको अपने पैरों को लिफ्ट करना है इस तरीके से, और फिर वापस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। इसमें क्या करना है, आपको अपने दोनों पैरों को इस तरीके से फोल्ड करना है, और आपको अपने पैरों में गैप करना है और वापस से फोल्ड करना है इस तरीके से, गैप देन वापस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। इसमें आपको अपने नीज के बीच में इस पिलो को रखना है, और आपके हाथ थाई के साइड में, और आपको अपने नीज को अपनी चेस्ट से टच करने की कोशिश करनी है इस तरीके से, देन वापस। चलिए स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। इसमें आप अपने पैरों को फ्री कर देंगे, अब आप अपने हैंड का यूज़ करेंगे इस तरीके से, आप पिलो को ऊपर करेंगे, और जितना हो सके आप उठ के अपने पैरों तक इस पिलो को टच करेंगे इस तरीके से, और फिर वापस, फिर से ले जाएंगे और फिर वापस इस तरीके से करेंगे 10 टाइम्स काउंटिंग के साथ। 1, जिसकी बैक में इशू हो वो झटके से ना उठे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। ये सारी एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा इजी हैं और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं।
आपको क्या करना है, अपने हाथ में इस तरीके से पिलो को पकड़ना है और वापस से हाथ आपको यहीं रखने और सिर्फ आपको अपनी अपर बॉडी को लिफ्ट करना है, यानी कि ये सिर्फ चेस्ट तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार पहले आप देख लेंगे किस तरीके से करना है। इस तरीके से आपको अपनी अपर बॉडी को लिफ्ट करना है, जैसे हम क्रंचेस करते हैं इस तरीके से करेंगे। चलिए स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। रिलैक्स करके करवट लेके आप बैठ जाएंगे। इस तरीके से आप बैठ जाएंगे। अब हम एक दो एक्सरसाइज बैठ के करेंगे। आपको क्या करना है, पिलो को लेना है, सामने रखना है और फिर अप एंड डाउन, अप एंड डाउन काउंटिंग के साथ करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अब पिलो के साथ हम एक एक्सरसाइज और करेंगे, वो है मलासन। क्या होता है, कई बार हम जब मलासन में बैठते हैं तो लोगों का बैलेंस नहीं बनता, वो क्या होता है पीछे की तरफ गिरने लगते हैं। तो बैलेंस बनाने के लिए हम कुशन का यूज़ कर सकते हैं। हमें क्या करना है, इस तरीके से बैठ के हमें अपने नीचे पिलो रखना है। आप एक बार इसे करके देखिए, आपको काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट मिलेगा, अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और आप देखेंगे कि आपको आपसे एक्सरसाइज हो पा रही है, आपका जो बैलेंस है वो बन पा रहा है। तो चलिए इस तरीके से बैठेंगे, अपने हाथों को इस तरीके से अंदर रखेंगे और बैक स्ट्रेट और ब्रीथ 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। बैठ जाएंगे और पिलो को रिमूव कर देंगे। आप ये मलासन ज़रूर करिएगा। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाए आप कुशन को धीरे धीरे हटाते जाइए। आप देखेंगे कि आपका जो मलासन है बहुत ही अच्छी तरीके से होने लगा है। मलासन क्या करता है, आपके डाइजेशन सिस्टम को बहुत अच्छा करता है। अगर आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा होगा तो आपका जो खाना खाओगे वो आपकी बॉडी को लगेगा, यानी कि जो आपको खाने से जो न्यूट्रिशन मिलेंगे वो प्रॉपर आपकी पूरी बॉडी में लगेंगे और जो आप खाना खाओगे वो आपकी बॉडी को प्रॉपर मिलेगा। कई बार होता है ना, हम खाना खाते हैं तो वो क्या होता है, कहते हैं कि हमारे तो अगर हवा जा रही है या पानी पी रहे तो वो भी हमें लगता है। नहीं, जब आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा होगा तो आप जो खाना खाओगे उसमें से जो उसके जो न्यूट्रिशन है वो आपकी बॉडी को प्रॉपर मिलेंगे, आपका वेट जो है वो कंट्रोल में रहेगा। जिसका वेट कम है उसका वेट भी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब जो जिसका वेट बहुत ज़्यादा है वो वेट बराबर हो जाएगा, तो यानी कि आपकी वेट को मेंटेन करके रखेगा। अगर आपका डाइजेशन सिस्टम सही है तो आपका जो वेट है वो भी मेंटेन रहेगा। तो आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। अब बात कर लेते हैं कि हमें इन एक्सरसाइज के कितने राउंड करने हैं और कितने रिपीटेशंस करने हैं। तो आपको इन सभी एक्सरसाइजेस के 4 राउंड्स करने हैं और 25 से 30 आपको रिपीटेशंस करने हैं। आपको इनकी प्रैक्टिस डेली करनी है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके अपना रिजल्ट ज़रूर शेयर करिए और अपना फीडबैक या सजेशन देना ना भूलिए। मिलती हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे फिट स्टे हेल्दी। बाय बाय।